सो हे दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ MIUI 13 के अपडेट ट्रैकर के बारे में। यहाँ पर अगर आप Xiaomi का कोई भी डिवाइस यूज करते हो, Redmi, Poco, MI कोई भी डिवाइस है अगर आपके पास, तो यहाँ पर आपके डिवाइस के लिए MIUI 13 के अपडेट अभी कौन से स्टेज पर चल रहा है, कितने यूजर को कौन सा अपडेट देखने के लिए मिला है, कब तक ये अपडेट मिल सकता है, तो सब कुछ आपको इसी अपडेट ट्रैकर में पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑल पे पिक कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपडेट के बारे में, अपडेट ट्रैकर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा Poco M3 के बारे में। दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो Poco M3 का नाम देखने के लिए मिलता है, और यहां पर अगर आप लोग देखोगे बीटा स्टेबल अपडेट कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हो MI पायलट प्रोग्राम की स्टार्टेड, यानी कि यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पायलट यूजर के लिए अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो पायलट यूजर के लिए यहाँ पर जो अपडेट के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है Poco M3 के लिए, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर ये अपडेट है MIUI 13 अपडेट। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है Poco C3, दोस्तों यहाँ पर MI पायलट के लिए प्रोग्राम की स्टार्टेड, यहाँ पर Poco C3 के लिए भी वही चीज देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर पायलट यूजर को अपडेट रोल आउट करने के लिए उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, यानी कि MIUI 13 की टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। Poco M3 Pro 5G के लिए भी न्यूज़ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, Poco M3 Pro 5G के लिए ग्लोबल में तो ऑलरेडी MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो इंडिया में भी अपडेट एनी टाइम रिलीज हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पर पायलट यूजर के लिए स्टार्ट कर दिया गया, मतलब टेस्टिंग वगैरह इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है इंडिया के लिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इस मंथ के एंड तक इंडिया में भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा Poco M3 Pro 5G के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस की बात करो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Xiaomi Pad 5 के लिए कल इंडिया में भी अपडेट्स देखने के लिए मिले थे MIUI 13 के, तो यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट डिवाइस की दोस्तों अगर बात करें Redmi Note 9, जो कि 5G डिवाइस देखने को मिलता है, और यहाँ पर फिलहाल के लिए चाइना में ही अपडेट देखने के लिए मिला और कहीं पर रिलीज नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पर Redmi 10 Prime की बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक्सपेक्टेड इन Q1 ही है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसको अपडेट नहीं किया गया। Redmi 10 Prime के लिए MIUI 13 अपडेट के ऊपर काम चल रहा है, और यहाँ पर ये अपडेट आपको इस मंथ के एंड तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा Redmi 10 Prime के लिए, वो भी MIUI 13 अपडेट, Android 12 अपडेट। अब दोस्तों ये जो अपडेट है, ये अपडेट आपको एनी टाइम रिलीज हो सकता है, मतलब जून एंड तक भी मिल सकता है या फिर मिड जुलाई के आसपास भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट आप लोग जून एंड तक वेट करो, Redmi 10 Prime के लिए MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में भी। चलो दोस्तों यहाँ पर बात कर Redmi 10 की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ Redmi 10, Redmi 10 Prime एक ही डिवाइस है, बस अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्री में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ग्लोबल स्टेबल अपडेट रिलीज हो चुका है, और यहाँ पर स्टेबल अवेलेबल फॉर MI पायलट टीजर ग्लोबल के लिए, मतलब यहाँ पर जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पायलट यूजर को देखने के लिए मिला, सभी लोग को नहीं मिला है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Redmi Note 10 की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Redmi Note 10 के लिए ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है MIUI 13 का अपडेट। बट मैं आपको बता दूं Redmi Note 10 के लिए अभी लगभग सभी यूजर को अपडेट मिल चुका है, सिर्फ Redmi Note 10s में नहीं मिला है, और यहां पर आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी कंट्री में इसको रिलीज कर दिया गया है Redmi Note 10 के लिए MIUI 13 का अपडेट। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। जो इसके दोस्तों अगर बात करूं Redmi Note 9 Pro, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बेटा टू बी रिलीज इन सेकंड बैच, यानी कि यहाँ पर Redmi Note 9 Pro के लिए MIUI 13 का जो अपडेट है वो सेकंड बैच में रिलीज कर दिया जाएगा, और सेकंड बैच यानी कि Q2 में अपडेट देखने के मिलता है, जो कि जून एंड तक या फिर जुलाई एंड तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो Redmi Note 9 Pro के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया कि आप लोगों के लिए MIUI 13 का अपडेट जून एंड या फिर जुलाई एंड तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। Poco M2 की बात करूँ, तो यहाँ पर MI पायलट प्रोग्राम की स्टार्टेड, यानी कि Poco M2 के लिए भी पायलट यूजर के लिए जब अपडेट रिलीज किया जाएगा तो उसके लिए टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई, यानी कि MIUI 13 के ऊपर काम चल रहा है, और ये अपडेट आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है Poco M2 में। बट उससे पहले जो भी सिक्योरिटी अपडेट है वो आते रहेंगे, तो यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं किए गए, कोई कंफर्म टाइम नहीं बताया कब तक अपडेट मिलेगा, बट अपडेट की तैयारी स्टार्ट कर दी गई रिलीज करने के लिए, मतलब इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर Redmi Note 11 5G की डिवाइस की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिलीज इन चाइना, मतलब चाइना में तो रिलीज कर दिया गया। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ Redmi Note 11 के काफ़ी सारे डिवाइस इंडिया में मिलते हैं, ग्लोबल में मिलते हैं, और मैं आपको बता दूँ सभी में MIUI 13 अपडेट तो मिला है, लेकिन यहाँ पर Android 12 अपडेट नहीं मिला है। तो Android 12 अपडेट हो सकता है आपको MIUI 13.5 अपडेट के साथ ही देखने के लिए मिल जाए, या फिर कोई नए सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ देखने के लिए मिल सकता है, बट अभी तक Android 12 अपडेट नहीं मिला है। दूसरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Redmi Note 9, यहाँ पर जो पब्लिक बेटा अपडेट देखने मिला मिड जनवरी, जो कि यहाँ पर वो चाइना में देखने के लिए मिला, बट यहाँ पर अभी तक Redmi Note 9 के लिए इंडिया में और ग्लोबल में नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूँ इंडिया में ग्लोबल में अपडेट मिलने के लिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा Redmi Note 9 के लिए, यहाँ पर अभी पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं किया गया अपडेट ट्रैकर को। तो यहाँ पर Redmi Note 9 के लिए अगस्त के आसपास आपको MIUI 13 Android 12 अपडेट देखने के लिए मिल सकता है।
इसके अलावा MI 11X Pro के लिए MIUI 13 ऑलरेडी इंडिया में मिल चुका है, और यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले भी एक नया बिल्ड नंबर का अपडेट देखने के लिए मिला था MI 11X Pro के लिए इंडिया में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आपके पास ये डिवाइस देखने के लिए मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, MI 11X के लिए भी ऑलरेडी MIUI 13 अपडेट मिल चुका है और यहाँ पर इंडिया में भी देखने के लिए मिल चुका है, और उसका एक नया बिल्ड नंबर का भी अपडेट रोल आउट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस की बात करो तो यहाँ पर MI 11 Lite 5G NE के लिए भी MIUI 13 का अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है, एक नया सिक्योरिटी अपडेट भी देखने के लिए मिल चुका है। Poco X3 Pro की बात करो तो Poco X3 Pro के लिए भी नया सिक्योरिटी अपडेट ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है, और इसका MIUI 13 अपडेट तो पहले ही मिल चुका था, और इसका सेकंड अपडेट भी इंडिया में देखने के लिए मिल चुका है। जिसको नहीं मिला है तो इंतजार करो, एक दो वीक में सभी लोगों को मिल जाएगा। MIUI 13.0.2.0 का शायद बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है, 4.0 का एक बिल्ड नंबर देखने मिलता है, आप लोग चेकआउट कर लेना आपके डिवाइस में, क्योंकि ग्लोबल में अलग बिल्ड नंबर है, इंडिया में अलग बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो जिनको नहीं मिला उनको। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस की बात करो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Poco M4 Pro 5G, यहाँ पर अभी तक MIUI 13 अपडेट नहीं मिला है Poco M4 Pro 5G के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे MI पायलट प्रोग्राम किक स्टार्टेड, यानी कि जो पायलट यूजर को अपडेट रोल आउट किया जाता है, तो उसके लिए टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया, तो बहुत ही जल्द Poco M4 Pro 5G के लिए MIUI 13 अपडेट रोल आउट होने वाला है। इसके अलावा MI 11T Pro के लिए सभी जगह MIUI 13 अपडेट ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है, और इसके नए अपडेट भी मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। MI 11 Lite 5G के लिए भी सभी जगह अपडेट मिल चुका है, Xiaomi 11T के लिए भी सभी जगह अपडेट मिल चुका है। इसके अलावा यहाँ पर Redmi Note 11 Pro 5G के लिए भी अपडेट मिल चुका है, बट यहाँ पर Android 12 अपडेट नहीं मिला है। Redmi Note 10 Pro Pro Max की बात करूँ तो ऑलरेडी उनके लिए मिल चुका है, और नया अपडेट भी देखने के लिए मिल चुका है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस की बात करूँ तो MI 11 Lite NE की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी यूज़र को अपडेट मिल चुका है MIUI 13 का, जिसको नहीं मिला तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। Xiaomi 11 Lite NE 5G के लिए इंडिया में ऑलरेडी MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें Poco F2 Pro की, तो ऑलरेडी सभी कंट्री में यहाँ पर MIUI 13 अपडेट मिल चुका है। इसके अलावा Poco X2 की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Poco X2 के लिए अभी MIUI 13 अपडेट नहीं मिला है, बट एनी टाइम ये अपडेट रिलीज हो सकता है, यानी कि ये जो अपडेट है आपको इस मंथ के एंड तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो पायलट यूजर को अपडेट रोल आउट किया जाएगा उसके लिए टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई है। Poco M2 Pro की बात करें तो इनके लिए भी टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है MIUI 13 अपडेट की। अब ये अपडेट देखते हैं कितनी जल्दी Xiaomi की तरफ से रिलीज किया जाता है, बाकी इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को जुलाई के मंथ का, तो Poco M2 Pro में MIUI 13 अपडेट मिल जाएगा जुलाई के मंथ में। Poco X3 की बात करो तो यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए भी MIUI 13 Android 12 अपडेट की टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है पायलट यूजर के लिए, तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जुलाई स्टार्ट में आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है Poco X3, Poco X3 NFC के लिए, मतलब ग्लोबल में भी और इंडिया में भी। Redmi 9T की बात करूं तो इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि Redmi 9T ग्लोबल में और इंडिया में Redmi 9 Power के नाम से देखने के लिए मिलता है, तो दोनों ही जगह इंटरनल टेस्टिंग दोस्तों स्टार्ट कर दी गई है MIUI 13 अपडेट की, वो भी Android 12 अपडेट के लिए, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। MI 10, MI 11 जितने भी डिवाइसेस सभी लोगों को दोस्तों अपडेट मिल चुके हैं MIUI 13 के, कुछ डिवाइसों में नए सिक्योरिटी अपडेट भी मिल चुके हैं MIUI 13 के, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है MI 10 सीरीज़ का, MI 11 सीरीज़ का, आप लोग चेकआउट करते रहना, बाकी मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहता हूं। तो ये इतने सारे डिवाइस थे जिनका था अपडेट ट्रैकर, यानी कौन से डिवाइस को अपडेट मिल चुके, कौन से डिवाइस को अभी क्या स्टेज पर अपडेट चल रहा है, कब तक ये अपडेट मिल सकते, तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो अगर इनमें से कोई भी डिवाइस मिस हो गया होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहूँगा और फिर डिवाइस के बारे में जैसे अपडेट के बारे में कुछ पता चलते रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अपडेट ट्रैकर के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पर ये जो अपडेट ट्रैकर है पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ी चीज़ें यहाँ पर अपडेटेड होकर देखने के लिए मिल जाती, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो उम्मीद करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप लोग Xiaomi का कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों को तुरंत पता चलते रहेगा अपडेट के बारे में, और वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।